हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रेनफोर्स, लाइफलाइन फॉर द सिविल इंजीनियर्स और इंजीनियर्स। आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि जो आपका फ्लेक्सल पेमेंट होता है, जिसको आप बिटुमिनस कंक्रीट का रोड बोलते हैं या फिर डामर का रोड बोलते हैं, तो उसमें प्राइम कोट का यूज करते हैं। तो आज आपको सीखने को मिलेगा कि प्राइम कोट क्या होता है, प्राइम कोट को हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्राइम कोट को क्यों यूज करते हैं, प्राइम कोट की कैलकुलेशन कैसे होती है एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और प्राइम कोट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिसको आप प्राइमर बोलते हैं, और प्राइम कोट में जो मटेरियल यूज होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सारी चीजें आज आपको ड्रॉइंग के थ्रू सीखने को मिल रही होंगी कि कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका प्राइम कोट क्या होता है। प्राइम कोट आपका लो विस्कोसिटी का लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल होता है, जिसको हम WM की सरफेस के ऊपर स्प्रे करते हैं। WM मींस आपका वाटर मिक्स मैकेडम की जो लेयर होती है उसके ऊपर हम प्राइम कोट को स्प्रे करते हैं। जो आपका प्राइम कोट होता है वो आपका DBM मींस आपका डेंस बिटुमिनस मैकेडम की जो लेयर होती है उसके 24 आवर्स पहले हमें स्प्रे करना होता है, वो हमारा प्राइम कोट होता है। आपने देखा होगा कभी रोड बनते हुए एक हम ब्लैक कलर का लिक्विड स्प्रे करते हैं जो कि बिटुमिन होता है, वो हमारा क्या होता है, प्राइम कोट होता है, जिसको WM की सरफेस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अब नेक्स्ट मुद्दे की बात यह है कि हम प्राइम कोट का यूज क्यों करते हैं। प्राइम कोट का यूज इसलिए किया जाता है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसा सोच रहे होते हैं कि जो आपका प्राइम कोट है वो बाइंडिंग मटेरियल है, दो लेयर को बाइंड करके रखता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्राइम कोट का यूज ये होता है कि जो आपका WM की सरफेस है, तो WM की सरफेस में क्या होता है कि आपके स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल वॉइड्स होते हैं, जिसमें आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर आ रहा होता है। रेनी सीजन में जब आपका वाटर फ्लो होता है नीचे से, तो आपका जो पानी है वो नीचे से ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आ जाता है, और आपको पता है कि जब पानी ऊपर आएगा तो ऊपर हमारा क्या बिटवीन की लेयर है, और बिटवीन की लेयर और पानी का रिलेशन सही नहीं है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अगर आपका पानी ऊपर आया कैपिलरी एक्शन के थ्रू, तो आपका जो पेमेंट है वो आपका फेल हो रहा होगा, जो आपकी बिटवीन की लेयर है वो आपकी खराब हो रही होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी WM की लेयर की सरफेस है उसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्राइम कोट का स्प्रे कर रहे हैं। तो जितने भी स्मॉल स्मॉल वॉइड्स होंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे, तो वो सारे फिल हो जाएंगे। जैसे आप ये हमारी स्किन देखते हैं, तो स्किन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उससे पसीना बाहर आता है। इसी तरह से हमारा WM की सरफेस होता है, तो जो WM की सरफेस होती है उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे से पानी ऊपर आता है, वो पानी अगर ऊपर आया तो आपका पेमेंट खत्म है। अब वो नीचे वाला पानी ऊपर ना आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, WM की सरफेस के ऊपर प्राइम कोट का स्प्रे कर रहे हैं। तो एक तरह से जो आपका WM की सरफेस है उसकी वाटर टाइटनिंग हो रही है, तो आपका पानी ऊपर नहीं आ पाएगा और आपका जो पेमेंट है वो आपका सेफ रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम प्राइम कोट का यूज क्यों करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जो आपका प्राइम कोट है उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो जो आपका प्राइम कोट है उसमें हम ऐसे प्राइमर, आपका बिटुमिन का यूज होता है, बिटुमिन में अलग अलग तरह के बिटुमिन आते हैं, आपका बिटुमिन इमल्सन आता है आप उसका यूज कर सकते हैं, आपका बिटुमिन कटबैक आता है आप उसका यूज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो बिटुमिन कटबैक यूज कर लीजिए, आप चाहें तो बिटुमिन इमल्सन यूज कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका प्राइम कोट है उसकी जो क्वांटिटी कैलकुलेट होती है आपकी एस पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, वो हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। जितने भी आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर आपके स्टेट हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रोड्स हैं, तो उसमें जो आपका प्राइम कोट का जो आइटम बनता है वो आपका मीटर स्क्वायर में बनता है। तो प्राइम कोट को हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे होते हैं, और इसमें जो आपका मटेरियल यूज होता है वो आपका बिटुमिन इमल्सन यूज होता है, आपका बिटुमिन कटबैक यूज होता है, और इसका जो आपका रेट ऑफ स्प्रे है वो आपका रेट ऑफ स्प्रे आपका 0.7 से लेके 1 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। मींस यदि आपके पास 0.7 kg बिटुमिन है तो उससे आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। ये इसका रेट ऑफ स्प्रे है कि आपका प्राइम कोट में कितना मटेरियल लगेगा। यदि हम बिटुमिन इमल्सन यूज कर रहे हैं या फिर आप बिटुमिन कटबैक यूज कर रहे हैं, तो आपका जो रेट ऑफ स्प्रे है वो कितना, 0.7 से लेके 1 kg पर मीटर स्क्वायर। मींस यदि आपके पास 700 ग्राम बिटुमिन है तो उससे आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि ड्राइंग के थ्रू आपका प्राइम कोट की क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेशन होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा है। ये आपका नेशनल हाईवे 167 है, जो कि आपका UP गवर्नमेंट में उसका ये ड्राइंग है, और इसमें प्राइम कोट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी वो आप देखिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, रोड का लेंथ निकालना होता है। जो प्राइम कोट है वो हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और मीटर स्क्वायर में कैसे मेजर होता है कि जो आपका WM का सरफेस है उसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राइम कोट का क्वांटिटी निकल के आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए आप देखेंगे कि जो भी हमारा ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है
इसका हमें लेंथ निकालना होगा, और लेंथ निकालने के लिए देखेंगे जैसे हमारी बिल्डिंग में ड्राइंग्स होती हैं उसी तरह से हमारी रोड्स में भी ड्राइंग होती हैं। आपको अलग अलग TCS दिए रहते हैं, और ये जो हमारा TCS है वो क्या है, आपका TCS फर्स्ट है, तो इसका हमें लेंथ देखना पड़ेगा कि इसका जो लेंथ है वो कितना होगा। ये देखेंगे ये हमारा क्या दे रखा है, TCS फर्स्ट दे रखा है, ये हमारा क्या है, TCS फर्स्ट है, टू लेन विथ पेव शोल्डर कॉन्सेंट्रिक वाइडनिंग, ये हमारा TCS फर्स्ट है। अब इसका जो लेंथ है वो कितना होगा ये आपको चैनल्स की डिटेल में पता चलेगा कि इस TCS को, इस ड्राइंग को हमें कहां से कहां तक यूज करना है। तो इसके लिए मैं आपको चैनल्स की डिटेल में लेके चलता हूं, तो आपको पता चलेगा कि इसका लेंथ कितना है TCS फर्स्ट का। ये देखेंगे यहाँ पर आपको चैनल्स का डिटेल दे रखा है, तो यहाँ पर हमें TCS फर्स्ट का लेंथ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा TCS फर्स्ट आपको दे रखा है, और जो TCS फर्स्ट है वो हम लोग 351.767 किलोमीटर से लेके 356.65 किलोमीटर तक यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4.883 किलोमीटर है। और ये देखेंगे आपका टू लेन विथ पेव शोल्डर कॉन्सेंट्रिक वाइडनिंग, और ये हमारा क्या है, TCS फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल्स की डिटेल में कि जो आपका TCS फर्स्ट है वो आपका 351.767 किलोमीटर से लेके 356.65 किलोमीटर में यूज़ हो रहा है, और इसकी जो लेंथ है टोटल वो आपकी 4883 आपका मीटर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, लेंथ पता चल रहा है, जो आपको ये दे रखी है ये हमारा क्या लेंथ है, यहाँ से हमें ये लेंथ पता चल गया है 4.883 किलोमीटर। बाकी डिटेल के लिए हमारे पास TCS है, हम उसमें चलते हैं और वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको TCS फर्स्ट में लेके चलता हूँ, एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है प्राइम कोड की क्वान्टिटी निकालने का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये अलग अलग लेयर्स दे रखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका फ्लेक्सल पेमेंट होता है उसमें आपके अलग अलग लेयर्स आती है। इसमें आप देखेंगे तो आपको एक सबग्रेड का लेयर दे रखा है, GSV का लेयर दे रखा है, WM की दो लेयर आ रही हैं, उसके बाद आपका DVM आ रहा है, उसके बाद आपका BC आ रहा है, लेकिन जो हम प्राइम कोट स्प्रे करेंगे वो WM की सेकेंड लेयर के ऊपर करेंगे। ये देखेंगे आपको ये क्या दे रखा है, WM का सेकेंड लेयर दे रखा है, ये हमारा क्या है, WM का सेकेंड लेयर है जो कि 125 mm का है, उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम कोट का स्प्रे करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखेंगे ये हमें क्या दे रखा है, आपका WM दे रखा है, ये हमारा क्या है WM, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएँ। ये हमारा क्या दे रखा है, WM दे रखा है, ये देखेंगे, और इस WM के ऊपर ही हमें क्या करना है, आपका प्राइम कोट स्प्रे करना है। फिर देखेंगे इस तरह से ये हमारा प्राइम कोट स्प्रे हो जाएगा, ये हमारा प्राइम कोट इसके ऊपर स्प्रे होगा, ये इसके ऊपर ही हम प्राइम कोट स्प्रे कर देंगे, और प्राइम कोट स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर से फिर हमारा क्या आता है, DVM का लेयर आता है, डेंस बिटुमिनस मैकेडम का, क्लियर। और प्राइम कोट हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वाटर कंटेंट आपका ऊपर ना आए, आपका जो DVM है वो आपका सेफ रहे, इसके ऊपर से ही आपका DVM का लेयर आ जाता है। ये देखेंगे ये इसके ऊपर से ही हमारा DVM का लेयर आ जाएगा, ये हमारा DVM का लेयर आ जाएगा। तो अभी हमें प्राइम कोट की क्वांटिटी निकालनी है, तो देखेंगे वो कैसे निकलेगी, ये हमारा प्राइम कोट है जो ब्लू कलर से हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारा क्या है, प्राइम कोट है। तो प्राइम कोट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइम कोट का क्वांटिटी निकाल रहे हैं। प्राइम कोट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका WM है उसका लेंथ और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। WM का लेंथ अभी मैंने आपको बताया था 4883 मीटर दे रखा है, और इसकी जो ब्रेथ है वो आपको सामने दे रखी है 10 मीटर, ये देखेंगे ये ब्रेथ आपको दे रखी है सामने, ये आपको ब्रेथ दे रखी है 10 मीटर, ये 10 मीटर में ब्रेथ दे रखा, ये आपका मिलीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो आपको 4883 और ये जीरो आपका आ जाएगा। तो ये कितना क्वांटिटी हो गया, ये क्वांटिटी हो गया आपका 48,830 मीटर स्क्वायर, ये आपका प्राइम कोट का क्वांटिटी निकल के आया है। इसकी जो आइटम है वो आपकी मीटर स्क्वायर बनती है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, प्राइम कोट का क्वांटिटी यहाँ से निकाल लिया है कि जो आपका ये TCS फर्स्ट है जो कि 4.883 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें जो आपका प्राइम कोट है वो कितना लगेगा, 48,830 मीटर स्क्वायर आपका प्राइम कोट आएगा। और इसी तरह से इसका आइटम बनता है, एज पर मॉर्थ प्राइम कोट की जो आइटम बनती है वो आपकी मीटर स्क्वायर में बनती है, और इसी तरह से बनती है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो आपका ये प्राइम कोट आया है, इस प्राइम कोट में आपका कितना मटेरियल लगेगा,
मीन्स कितना प्राइमर लगेगा, और ऐसे प्राइमर हम विटामिन इमल्सन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कटबैक विटामिन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो निकालने के लिए आपको पहले रेट ऑफ स्प्रे पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि रेट ऑफ स्प्रे कितना होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्राइम कोट में हम मटेरियल यूज़ करते हैं, प्राइमर यूज़ करते हैं, उसका जो आपका रेट ऑफ स्प्रे होता है एज पर मॉर्थ, वो आपका 0.7 से लेके आपका 1 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा रेट ऑफ स्प्रे है। ये क्या है आपका रेट ऑफ स्प्रे है, 0.7 से लेके आपका 1 kg पर मीटर स्क्वायर। मीन्स यदि आपके पास 700 ग्राम विटामिन है तो उससे आप WM का 1 m² एरिया कवर कर सकते हैं। तो 0.7 से लेके 1 kg का लिमिट है, तो हम यहाँ पे बीच का कंसीडर कर लेते हैं, 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपका एस पर मॉर्थ आपको ये लिमिट दे रखा है, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ स्प्रे कितना कंसीडर कर लेते हैं, 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे रेट ऑफ स्प्रे कंसीडर किया हुआ है, और जो आप 0.7 से 1 देख रहे हैं ये हमारा मॉर्थ का स्पेसिफिकेशन है कि इतना हम विटामिन यूज करेंगे। तो ये हमारा रेट ऑफ स्प्रे हो गया है। अब आप यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि जो आपका विटामिन है वो कितना लगेगा, ठीक है ना। विटामिन इमल्सन यूज कर सकते हैं आप, चाहें तो विटामिन कटबैक भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप यूज करिए, जो अवेलेबल है। हम यहाँ पे विटामिन इमल्सन निकाल लेते हैं। तो विटामिन इमल्सन कितना आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो 1 m² है उसमें 0.8 kg लग रहा है। इसको समझिए, 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर है, 1 m² में आपका 0.8 kg लग रहा है। तो हमारा क्वांटिटी कितना है, 48,830 m² है। तो उसमें कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 m² में कितना लग रहा है, 0.8 लग रहा है, और हमारा क्वांटिटी कितना है, 48,830। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्वांटिटी निकल के आएगा, कितना आएगा, ये आपका क्वांटिटी निकल के आएगा 39,064 kg में निकल के आएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका विटामिन इमल्सन है वो कितना आया है, विटामिन इमल्सन आपका 39,064 kg आया है, जो कि आपका 48,830 m² को कवर करेगा। इसको आप चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो कि कितना 10 आपका विटामिन लगेगा। तो अगर 10 में आपको विटामिन निकालना है तो आपको पता है कि 1 ton में आपका 1000 kg होता है, इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 39.064 ton आ जाएगा आपका, जिसको आप मीट्रिक टन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना विटामिन लगेगा, उसकी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। किस तरह से की जाती है वो आपके सामने है। आपका प्राइम कोट का आइटम बन रहा है एस पर मॉर्थ, और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपका 48,830 m² है, और इसमें ऐसे प्राइमर हम लोग विटामिन इमल्सन का यूज़ कर रहे हैं, और विटामिन इमल्सन आपका कितना लग रहा है, 39,064 kg, या फिर आप बोल सकते हैं आपका 39 ton। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग एस पर मॉर्थ प्राइम कोट का आइटम बनाते हैं, और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, वो सब आपके सामने है ड्राइंग के थ्रू। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।